सितारगंज क्षेत्र कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार द्वारा किए गए 2 दिवसीय लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं में सरकार द्वारा शराब की दुकानों को शामिल किए जाने पर पूर्व विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नारायण पाल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने आज नगर की शराब की दुकान से शराब खरीदकर सरकार पर गरीबों की अनदेखी कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। जो नेसेसरी जो एसेंशियल सर्विस है उसमें मैं देख रहा हूँ दवाइयों की दुकान तो खुल नहीं रही है, शराब की दुकान खुली है। और शराब की दुकान खुली है लेकिन नमकीन की दुकान नहीं खुली है। तो नमकीन बेचने वाले तो गरीब लोग हैं ना, और शराब बेचने वाले आबकारी का बहुत ही बड़ा मत देते हैं सरकार को, तो सरकार का रवैया जो है उनके प्रति बहुत ही उदार है। फैक्ट्री चल रही है, कर्मचारी जा रहा है, और फैक्ट्री के अंदर जो सरकार कहती है कि लोगों को यहाँ रहने की व्यवस्था करेंगे जिससे ही कोरोना संक्रमित ना हो, किसके रहने की व्यवस्था हो रही है? वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन यह है कि ठेला एक नहीं है, ठेला एक फल वाला नहीं है, एक ठेले वाला नहीं है, एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक चाय की दुकान नहीं है, गरीब पर मार पड़ रही है। 2 दिन का लॉकडाउन का क्या महत्व है? या तो सब कुछ बंद करते ही है। अब शराब की दुकान खुली है, आप लोगों ने देख ही लिया है। 6 आशा जो कार्यकर्ती हैं वो संक्रमित हो गई हैं। और आंगनबाड़ी और आशाओं के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि इन्हें किट दे दो और इनके जो जरूरी संसाधन है, सामान है, वो सब दे दो। अब 6 हो गई हैं। और इनकी जो है, और गुरुग्राम शक्ति फार्म में परसों 42 लोगों की जांच हुई है और उससे 5 दिन पहले हुई है 52 लोगों की जांच। 6 दिन में अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उनके सीने पे एक टैग लगा दिया है कि ये कोरोना संक्रमित हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। अब वो अछूत हो गए हैं पूरे गुरुग्राम में, पूरे शक्ति फार्म में। और फैक्ट्री वालों ने अपने गेट पर लगा दिया है कि गुरुग्राम का कोई भी व्यक्ति यहाँ अंदर प्रवेश उसका वर्जित है।